अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा सरकार बनने के करीब एक महीने बाद की गई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 88 IAS अफसरों के साथ एक IPS अफसर को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। रायपुर समेत 19 जिलों में बिठाए गए हैं नए कलेक्टर। वहीं गौरव सिंह को बनाया गया रायपुर कलेक्टर। IPS मयंक श्रीवास्तव को सौंपी गई जनसंपर्क विभाग की कमान। कोंडागांव में एक पुलिस जवान ने खुद को मारी गोली। घायल जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। वहीं इस घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। घायल जवान वीरेंद्र चिंडा कुधूर पुलिस कैंप में है तैनात, तो वहीं जवान को गोली मारने का कारण है अज्ञात। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जसपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा नहीं करने पर बगीचा कांसाबेल और फरसाबहार के 3 ठेकेदारों का अनुबंध किया गया निरस्त। कार्य को प्रारंभ और पूर्ण नहीं करने के लिए संबंधित ठेकेदारों को बार बार सूचित करने के बाद भी काम पूरा नहीं करने पर जिला कलेक्टर ने की कार्रवाई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सरायपाली क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क की चोरी कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आया मामला। मामला उजागर होने पर विभाग के अधिकारी दे रहे हैं गोलमोल जवाब। वहीं SDM से शिकायत के बाद मामले को लेकर अधिकारियों में मची हुई है खलबली। SDM ने जांच के दिए हैं निर्देश। जसपुर में जंगली हाथियों का बढ़ता ही जा रहा है उत्पात। बुधवार देर शाम बगीचा वन परिक्षेत्र में मुख्य सड़क पर हाथी ने एक राहगीर महिला को उतारा मौत के घाट। इस दौरान ट्राईसाइकिल पर सवार दिव्यांग सहित 2 लोगों की बाल बाल बची जान। कोरबा के बालको थाना अंतर्गत गढ़ कटरा बाघमारा गांव में मोबाइल को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। मोबाइल चोरी का आरोप लगा तो भतीजे ने डंडे से हमला कर चाचा समेत परिवार के 3 लोगों को बुरी तरह से घायल कर मौके से हो गया फरार। मामले की सूचना पर पुलिस आरोपी की कर रही है तलाश। बिलासपुर बिल्हा विकास खंड के पोड़ी ग्राम पंचायत में बोरवेल से ज्वलनशील गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। PHE विभाग द्वारा स्कूल परिसर में किए गए बोर में गैस का रिसाव सैकड़ों स्कूली बच्चों के लिए बना खतरा। वहीं बोर के पास माचिस जलाने से लग रही है आग। ग्रामीणों ने PHE विभाग पर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना किया गया अनिवार्य। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मास्क पहनकर आने के साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने की दी हिदायत। धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्रालय में विभाग के लिए समीक्षा बैठक। उन्होंने बैठक में राजिम कुंभ मेला आयोजन की तैयारियों का लिया जायजा। साथ ही अधिकारियों को त्रिवेणी संगम राजिम में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश। बलरामपुर राजपुर थाना क्षेत्र के सेवारी गांव के बसिया टोंगरी में घर में सो रही अकेली महिला पर अज्ञात आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट। घटना से इलाके में फैली सनसनी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है पुलिस। फिलहाल हत्या का कारण है अज्ञात। जगदलपुर में स्वयं को अभिकर्ता बताते हुए डेली मासिक व वार्षिक कलेक्शन कर गबन करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने शिक्षक दंपत्ति को किया गिरफ्तार। इस दंपत्ति ने अब तक 100 लोगों को झांसा देकर उनसे करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को दिया है अंजाम। बिलासपुर जिले में सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करने की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 24 नर्सिंग होम्स और 31 क्लीनिंग की बनाई सूची। जांच के बाद विभाग करेगी सख्त कार्रवाई। इनमें संभाग के सबसे बड़े सिम्स और जिला अस्पताल के डॉक्टर्स भी हैं शामिल। कवर्धा जिले में आम लोगों के साथ ही साथ भगवान पर भी पड़ रहा है ठंड का असर। शहर के कचहरी पारा स्थित श्री राम जानकी लक्ष्मण मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम लक्ष्मण व माता सीता को ओढ़ाया गया है साल। साथ ही बाल गोपाल श्री कृष्ण जी को पहनाया गया आकर्षक स्वेटर। बिलासपुर तरुआ थाना क्षेत्र में 3 घंटों तक दर्द से कराहती रही डिलीवरी कराने गई महिला, लेकिन पैसे जमा नहीं करने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने नहीं किया भर्ती। इसके चलते महिला का सर्जरी करना पड़ा और जुड़वा बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की हुई मौत। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर मचाया हंगामा।
कोरिया में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बैकुंठपुर के कई मेडिकल स्टोर्स पर की छापेमार कार्रवाई। इनमें महामाया मेडिकल स्टोर्स, जय श्री राम मेडिकल स्टोर्स, गायत्री मेडिकल स्टोर एंड एजेंसीज, उत्तम फार्मा, संजीवनी मेडिकल स्टोर्स, शुक्ला मेडिकल स्टोर्स, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स एवं जयश्री मेडिकल स्टोर्स हैं शामिल। बिना पर्ची दर्द निवारक व गर्भपात की दवाइयां बेचने की मिली थी शिकायत। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।